तो खबर आ रही है, लेकिन चूंकि मौत की खबर है, शहादत की खबर है, इसलिए हम वी डोंट वांट टू जंप द गन। लेकिन अभी इतना जरूर है कि जिनसे भी बात करूं वो कह रहे हैं कि बड़ा हमला है, बहुत सारे जवान बहुत गंभीर रूप से घायल है। हमने तस्वीरें देखी है, सीधे सीधे अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि छत विछत गाड़ियां उसमें जिस गाड़ी में जवान थे। सुकेश, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। सुकेश, ये हमला और बड़ा होता जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 18 जवान शहीद हो गए हैं। थोड़ी देर पहले एएनआई की खबर थी कि 12 जवान शहीद हैं, अब पीटीआई की खबर है कि 18 जवान शहीद हैं। इसका मतलब सुकेश, इसका मतलब यह हुआ, हमें याद है जब उड़ी में हमारे आर्मी कैंप पर हमला हुआ था, यह उसके बाद का सबसे बड़ा हमला है। और एक और चीज सुकेश, लगता है पिछले 15-20 साल में इस तरह का कार बम हमला कश्मीर में नहीं हुआ था। 15-20 साल बाद शायद इस तरह का हमला हम देख रहे हैं। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 15-20 साल में कार बम हमला कश्मीर में नहीं हुआ था। 18 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है और यह हमला, क्योंकि इसमें घायल जवान और भी है, यह उड़ी से भी बड़ा आतंकी हमला बन सकता है, क्योंकि उड़ी में 17 जवान शहीद हुए थे और उड़ी हमले के बाद ही हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उड़ी से भी बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर हुआ है, सुरक्षा बलों पर। 18 जवान शहीद हो चुके हैं और 2500 जवान इस काफिले में जा रहे थे। अब जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जैसे ही ये काफिला रोड पर खड़ी एक गाड़ी के पास से गुजरा, उस गाड़ी में धमाका हो गया। पता लगा कि उस गाड़ी में विस्फोटक रखे गए थे और घात लगाकर कोई इंतजार कर रहा था, आतंकी इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला वहां से गुजरेगा, रिमोट से उस कार में धमाका कर दिया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही किया गया और इस धमाके को करने के बाद इस हमले को अंजाम दे दिया गया। 18 जवान शहीद हो गए हैं, पीटीआई के हवाले से खबर है। हमारे 18 जवान शहीद हैं, 20 से ज्यादा जवान हमारे घायल भी हैं। यानी उड़ी के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला इस देश में हो गया है। सुकेश, सुकेश आपको क्या लग रहा है? सुकेश क्या खबर आ रही है, क्या इस बात को, क्योंकि हर तरफ से सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो यही है कि एक कार बम हमला है। तस्वीरें देखकर क्या अंदाजा लगता है? देखिए, सारी तस्वीरें आप दर्शकों को बिना एडिट किए दिखा नहीं सकते हैं। कई तस्वीरें बहुत दिल दहला देने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन जवानों के मारे जाने की शहादत की खबर आ रही है उसमें 18 लोग हो सकते हैं, ऐसा हम एजेंसी के मुताबिक कह सकते हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जवान बहुत गंभीर रूप से जख्मी है। तो उरी से बड़ा हमला तो ये हो चुका है, आपने ठीक कहा, 17 लोगों के शहीद होने की, जवानों के शहीद होने की खबर आई थी और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या उसने आतंक ने एक बार फिर से जो सर उठाने की कोशिश की है, क्या उसको उसी भाषा में दबाव दिया जाएगा? इस पे तो हमारी जो एजेंसियां हैं वो तय करेंगी कि आखिर उनको किस दिशा में आगे जाना है। लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरीके से हमला किया गया है, जिस तरीके से घात लगाकर हमारे जवानों पर हमला किया गया है, जिस तरीके से कैलकुलेटेड अटैक है, यह साजिश के तहत किया गया अटैक है, इतना जरूर है कि हमारे अंदर भी कोई चूक थी जिसकी वजह से हमला हुआ और हमारे इतने सारे को जान से हाथ धोना पड़ा है। क्या इसका माकूल जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, क्या इसका माकूल जवाब आतंकियों को मिलेगा, यह अब देखना होगा, क्योंकि सरकार इस पे चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार बड़े आयरन हैंड के साथ इस पे कार्रवाई कर रही है और इसीलिए वो टिट फॉर टैट वाली नीति की तरफ जा रही थी और इसी वजह से वहां पर अलग अलग अपनी नीति भी की, सरकार भी चली गई वहां, बीजेपी और पीडीपी की का गठबंधन टूट गया, वहां गवर्नेंस रूल है, क्योंकि बीजेपी ने सरकार ने तब कहा था कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम सॉफ्ट दिखे आतंक पे। हालांकि वो 3 साल सरकार चलने के बाद उससे अपने आप को अलग किया था बीजेपी ने, लेकिन वजह यही बताई गई थी कि वी कांट सीम टू बी सॉफ्ट ऑन टेररिस्ट। तो कुल मिलाकर क्या हम वो हॉट परसूट वाली रणनीति की तरफ जाएंगे, क्या हम सर्जिकल स्ट्राइक एक और कर सकते हैं, या किसी भाषा में जवाब देने की कोशिश होगी क्या हमारी तरफ से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा हमला ये हुआ है जिसमें हमारे आतंकियों ने हमारे जवानों के साथ इस तरीके से उनको शहीद कर देने की चेष्टा की है। ये बहुत दुखद है, ये इसके मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली में हलचल है, जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर के संपर्क में है, कुछ बड़ा सोचा जा रहा होगा, कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा होगा एजेंसियों के लेवल पे भी और सरकार के लेवल पे भी, क्योंकि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते इतने बड़े आतंकी हमले के बाद। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी जो है कि वहां जो जवान हमारे जख्मी है उनको किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जाए, वहां से उनको हम पहला फर्स्ट एड कैसे दे सके और कैसे उनको बचाया जा सके। अभी सारी कोशिश जो है वो वहां ग्राउंड
उन पे क्या हो सकता है उस तरफ है। हाँ बिल्कुल, अमित कुमार के पास आपको ले चलते हैं। अमित, जैसा सुकेश कह रहे हैं, क्या सरकार में अब चिंता शुरू हो गई है, क्योंकि हमला बड़ा है, उड़ी से भी बड़ा आतंकी हमला अमित ये बन चुका है? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं आपको कि ये जो हमला हुआ है ये फिदाइन हमला था एक तरह से आप कह सकते हैं, कि इसमें जो जानकारी मिल रही है कि 5 से 6 फिदाइन आतंकी जो जैश के थे वो वहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ, जब गाड़ी में जिस कार में आईडी रखा गया था जिसको ट्रिगर दबाकर ब्लास्ट किया गया, जब सीआरपीएफ के जवान की बस उनके बगल से गुजर रही थी और इसके बाद तुरंत ही जो 5-6 आतंकियों के बारे में जो हालांकि पुष्टि पूरी नहीं है कि उसमें एग्जैक्ट नंबर्स क्या था, लेकिन जो जानकारी एजेंसीज की तरफ से मिल रही है कि 5 से 6 फिदाइन आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने फिर फायरिंग शुरू की, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि 1 या 2 कुछ ग्रेनेड्स भी फेंके गए थे इनके ऊपर ताकि किसी भी तरह से इन जो जवान है को बचने का मौका ना दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है कि 5 से 6 फिदाइन आतंकी थे जैश के जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, जिसमें पहले ट्रिगर के जरिए आईडी ब्लास्ट कराया गया और इसके बाद फिर फायरिंग की गई और ग्रेनेड फेंका गया ताकि सारे जो जवान थे उनको शहीद किया जाए, उनको मार दिया जाए। और दूसरी तरफ अगर बात देखें तो फिलहाल जो पहली प्रायोरिटी है अभी जो यहाँ से एजेंसीज तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी टच में है कि ये कोशिश है कि जो घायल है उनके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए ताकि जिनकी भी जान बचाई जा सके वो बचाई जाए, वहाँ पर तुरंत ही मदद पहुँचाई जाए। तो दूसरी तरफ जो ऑपरेशन वहाँ पर भी कॉम्बी ऑपरेशन एक तरह से शुरू कर दिया गया है कि आसपास के इलाकों को ऑर्डर ऑफ करके वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन जैसा स्थिति शुरू हो गई है ताकि दो चीज़ें एक साथ आप कह सकते हैं कि सरकार ने शुरू कर दिया है, एक तो जो घायल हैं जवान उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाए, अस्पताल पहुँचाया जाए ताकि उनको बचाया जा सके, तो दूसरी तरफ जिन आतंकियों ने इन हमले को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई फिलहाल आज की जो आज जो जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ है। आगे वाले ऑपरेशन के बारे में फिलहाल बाद में रणनीति बनेगी, लेकिन फिलहाल तो यही कि जो जिन आतंकियों ने हमले किए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाए, उन्हें बख्शा नहीं जाए, उन्हें खोजकर मारा जाए। तो ये दो तरह के ऑपरेशन फिलहाल चल रहे हैं, एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन कह सकते हैं तो दूसरा एक सर्च ऑपरेशन जो आतंकियों के खिलाफ चल रहा है। बिल्कुल अमित, जाहिर है चुनावी मौसम है, अब सरकार के ऊपर दबाव तो आएगा बदला लेने का, क्योंकि 18 जवान शहीद हुए हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, और उड़ी से ये बड़ा आतंकी हमला हो चुका है। सुकेश के पास, अमित एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, आत्मघाती हमलावर का नाम भी आ गया हमारे पास, आत्मघाती हमला था, अब ये साफ हो गया। सुकेश क्या खबर है आपके पास? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं अमित की बात मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं, वो ठीक कह रहे हैं कि शुरुआती जानकारी जो आ रही है कि उसमें गोलियां भी चली है, मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से किसी गाड़ी को में ब्लास्ट कराया जाए जिससे ज्यादा बड़ा हमला हो, दूसरी तरफ से फायरिंग हुई है, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक अभी अभी विजुअल जो अपने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी करेंगे उसमें बुलेट के निशान है, सीआरपीएफ की उस बस पे बुलेट के निशान है, इसका मतलब उन पे गोलियों से भी हमला हुआ है। तो जो अमित कह रहे हैं उनकी बात में दम है कि या तो कुछ फिदाइन थे जिन्होंने गोलियों से हमला किया है, तो एक तरफ से गोली से हमला हुआ, दूसरी तरफ से ये बस या कार जो भी थी जिसमें ब्लास्ट कराया गया ताकि दोनों तरफ से, एक तरफ से डाइवर्ट करा सके, कराया जा सके क्योंकि गोलियां चल रही है, और दूसरी तरफ से वो ब्लास्ट कराया जा सके क्योंकि बचने की, जिसमें बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। तो बिल्कुल ट्रैप करने के बाद सोची समझी साजिश के तहत यह हमला हुआ है, ऐसा अभी थोड़ी देर में अपने प्रोड्यूसर को मैं कहूंगा कि वो बस दिखाए जिसमें वो बुलेट के निशान साफ दिख रहे हैं, इसका मतलब आतंकवादियों ने पूरा प्लान किया था कि कैसे हमें घेरना है, हमें एक तरफ से गोलियों में फंसाना है। सुकेश, हाँ बिल्कुल सुकेश, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि या तो आईडी ब्लास्ट था या कार बॉम्ब अटैक था, और ये बहुत देर से आसिफ भी बता रहे हैं हमारे सहयोगी श्रीनगर से कि इस काफिले पर फायरिंग भी की है आतंकियों ने ये धमाका करने के बाद, यानी ये तो साफ है कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल से बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया गया है, उसके बाद कुछ आतंकियों ने इस काफिले पर फायरिंग भी की है। आसिफ यहां तक कह रहे थे कि उन्हें ये नहीं मालूम कि जो जवान घायल हुए हैं वो धमाके से हुए हैं या फिर आतंकियों की फायरिंग से हुए हैं, यानी अभी भी ये डिटेल्स आना बाकी है कि कितने आतंकी थे, हमला कैसे हुआ, क्या गोलियों से हमारे जवानों की जान गई है या हमारे जवान आईईडी ब्लास्ट से घायल हुए हैं। अमित आपके पास, अमित क्या कोई जानकारी है सरकार में अब क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा उड़ी से भी बड़ा आतंकी हमला ये बन गया है, सरकार में इसकी चर्चा अमित शुरू हो जानी चाहिए। देखिए जो देखिए अभी मैंने पहले बताया कि अभी फिलहाल दो तरह के ऑपरेशंस पर ज़्यादा फोकस है कि जो जवान घायल हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, और दूसरे जो शामिल थे इस हमले में, कहा यह जा रहा है, जो खुफिया एजेंसीज बता रही है कि करीब 5 से 6 इस तरह के आतंकी थे जो फिदाइन आतंकी थे जिन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, एकदम सोची समझी रणनीति थी, कार के भीतर आईडी को प्लेस किया गया था और
उनको पता था कि इस रास्ते से गाड़ियां आने वाली है, जो बटालियन है सीआरपीएफ की वो लौटने वाली है, तो इस तरह से प्लान करके वहां पर ब्लास्ट किया गया। जब गाड़ी एकदम बगल से गुजरी, कार के जस्ट बगल में जब बस पहुंची थी, तभी ट्रिगर दबाकर उस ब्लास्ट को आईडी ब्लास्ट कराया गया ताकि नुकसान हो। और इसके साथ ही जो खुफिया एजेंसीज बता रही हैं कि 5 से 6 आतंकियों ने धमाका होने के साथ ही, जब धमाका हुआ इसके तुरंत बाद चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, ताकि जो अगर बच जाए, जो भी घायल हैं उनको भी कैसे उनको मारा जाए, ये एक रणनीति थी। कहा यह भी जा रहा है, हालांकि कंफर्मेशन अभी इसकी बात नहीं है, कि कुछ ग्रेनेड्स भी फेंके गए थे आतंकियों की तरफ से, ताकि पूरी तरह से एक भी जवान ना बचे। इसकी पूरी तैयारी थी आतंकियों की कि पहले आईडी ब्लास्ट किया जाए, फिर 5 से 6 जो आतंकी थे AK-47 से लैस थे वो हमला करेंगे, गोलियां चलाएंगे और इसके उस दौरान ग्रेनेड भी फेंका जाएगा। यानी कि पूरी तरह से जो पूरा पूरे बस में जवान थे उनको खत्म करने की पूरी साजिश थी। और इसीलिए सरकार फिलहाल एक तरफ से जो सर्च ऑपरेशन, जो सुरक्षाकर्मी है जो तमाम ऑपरेशन में लगे हैं वो वहाँ पर मौजूद है, ताकि उनको कैसे पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन फिलहाल यही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो जवान है उनको बचाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घायल है, बहुत बुरी स्थिति में भी हैं। हाँ। तो ऐसे में जितनी भी कोशिश हो सकती है, जो बेहतर चीज़ें पहुंचाई जा सके, बेहतर इलाज कराया जा सके, ताकि जवानों की ज़िंदगी को बचाने के लिए सबसे बड़ी मुहिम अगर आप कह सकते हो फिलहाल वही है। लेकिन दिमाग में तो है ही, क्योंकि सरकार ने एक इमेज अपना बना रखा है कि हम टिट फॉर टैट करेंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम 2 गोली, वो अगर 1 चलाएंगे तो हम 10 गोली चलाएंगे। गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सब ने ये जगह जगह पर अलग अलग मंचों पर इस बात को कहा है। गृहमंत्री हमेशा कहते रहे कि हमने फ्री हैंड दिया हुआ है कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन आप अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो सरकार ने एक नीति बनाई थी, गृहमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, तो अब मुझे लगता है कि उसी नीति को अब अमलीजामा पहनाने की बात होगी। उरी के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से होता है और इसमें अगर आप जनता के बीच जाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार के दिमाग में और बड़े लेवल पे तो ये प्लान चल ही रहा होगा कि आखिर इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन फिलहाल जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन, ये 2 फिलहाल चल रहे हैं, ताकि आतंकियों को मार गिराया जो इस हमले को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल अमित, हमारे साथ ही रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें तो हम वीडियो भी लगातार दिखा रहे हैं जो हमारे पास है अवंतीपुरा में हुए इस आतंकी हमले का, लेकिन ताजा खबर यह कहती है पीटीआई के मुताबिक, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस हमले में अब तक 18 जवान शहीद हो चुके हैं और कई घायल भी हैं। अब जैश ए मोहम्मद ने आत्मघाती हमले का दावा किया है। जैश ए मोहम्मद का कहना है कि यह आत्मघाती हमला था और आतंकी आदिल अहमद डार की तस्वीर भी जारी की है। आदिल अहमद डार ने ही यह फिदाइन हमला किया है। अब यह जैश ए मोहम्मद का कहना है कि यह फिदाइन हमला था। फिदाइन हमला आप जानते ही हैं, आत्मघाती हमला जिसे सुसाइड अटैक भी कहा जाता है। इसमें हमलावर अपनी जान की परवाह नहीं करता है, वो खुद भी जान दे देता है। ज्यादा से ज्यादा जान लेने की कोशिश उसका मकसद होता है और यह एक आत्मघाती हमला है, यह जैश ए मोहम्मद का कहना है। हालांकि अभी हमें पुष्टि का इंतजार है हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से और सरकार की तरफ से, लेकिन जैश ए मोहम्मद ने अपने एक आतंकी आदिल अहमद डार की तस्वीर जारी करके इसे फिदाइन हमला बताया है। जैश का कहना है कि यह आत्मघाती हमला हमारे इस आतंकी ने करवाया था, उसकी तस्वीर भी जारी की है और उसका नाम आदिल अहमद डार बताया है। सुकेश है क्या? सुकेश न्यूज रूम से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सुकेश इसका मतलब आत्मघाती हमला तो तभी होता है जब आप एक गाड़ी को लें और गाड़ी को आप एक सेकंड जरा सुनते हैं कुछ कह रहे अटैक। सो वाज इट हाउएवर नो इट्स नॉट कंफर्मड एज येट, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑल दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैज टेकन अप द इन्वेस्टिगेशन एंड वी हैव सफर्ड डैमेज टू बोथ मेन एंड आवर व्हीकल्स, वी विल गेट बैक। नंबर ऑफ कैजुअल्टीज एंड इंजर्ड एट दिस स्टेज इट्स नॉट पॉसिबल, हाउएवर वी विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। So what is the condition? Injured have been shifted? All injured have been shifted to the hospital. At the site we are doing the post blast analysis. Mm-hmm. All that is going to take some time. Mm-hmm. That's all. Any idea, Mr. Pani, what see, kind of blast it was? As it was mentioned by IGCRPF, mm-hmm. it's a terror incident. Mm-hmm. It's a terror incident, mm-hmm. and we are looking into
to the possibility of what led to this blast. There was a convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion, how it has happened, what led to this explosion, these are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Mr. Pani, you know, this road is, highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast, how the blast happened, these all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer. Thank you, sir. Thank you very much. तो देखा आपने, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये हमला आखिर कैसे हुआ, लेकिन जांच अभी चल रही है ये पता लगाने के लिए कि जो ब्लास्ट किया गया, जो धमाका किया गया, वो किस तरह का धमाका था, क्या वो आईईडी ब्लास्ट था या फिर ये कार बम अटैक था। लेकिन ये साफ हो गया है, अब आधिकारिक तौर पर पुलिस ने बता दिया है कि जितने भी जवान घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कितने जवान शहीद हुए हैं इसकी जानकारी भी अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई कह रही है 18 जवान शहीद हैं। और जैश ए मोहम्मद ने जिस आतंकी की तस्वीर जारी की है वो ये है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी आतंकी ने जैश ए मोहम्मद के मुताबिक इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। इसका नाम आदिल अहमद डार बताया है जैश ए मोहम्मद ने, आदिल अहमद डार, यह जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, जैश ए मोहम्मद का कहना है। यह एक कश्मीरी न्यूज एजेंसी को मैसेज करके, संदेश देकर पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, और यह तस्वीर भी भेजी है उस आतंकी की जिसने जैश ए मोहम्मद के मुताबिक इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। इसका नाम आदिल अहमद डार है। और इस बीच जरा देख लीजिए एक बार फिर से तस्वीरें जहां हमला किया गया, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सीआरपीएफ के काफिले पर, वहां की तस्वीरें। पहले बम धमाका किया गया, उसके बाद गोलियां चलाई गई आतंकियों की तरफ से, 18 जवान शहीद हो चुके हैं और कई घायल हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि कुल कितने जवान घायल हैं और उनमें से कितने की हालत खतरे के बाहर है, यह अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, फिलहाल जांच यह चल रही है कि आखिर धमाका किस तरह का था, एक्सप्लोसिव किस तरह का था, इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया। पर हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा जवान इस हमले में घायल हैं। आपको याद होगा जब उड़ी में हमला हुआ था उसमें 19 जवान शहीद हुए थे, उड़ी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे, और इस हमले में 18 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन घायलों की संख्या को देखें और तस्वीरें देखें उससे ऐसा लगता है कि यह हमला उड़ी हमले से भी बड़ा हो सकता है। घटनास्थल पर मैं मौजूद हूं और जो यहां से रिपोर्ट्स ग्राउंड से आ रही है काफी चौंका देने वाली रिपोर्ट्स मिल रही है स्पॉट से। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है विजुअल्स में, वीडियो में आप एम्बुलेंस देख सकते हैं जो मौके पर पहुंच चुकी है घटना स्थल पर। और जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 12 मौतें हुई है, 12 जवान शहीद हो गए हैं, 45 के करीब इसमें कुल मिलाकर घायल हो गए थे, जिसमें से 18 की हालत अभी भी हॉस्पिटल में नाजुक बताई जा रही है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी कोई भी डिटेल नहीं दी जा रही है, लेकिन ये सारी जानकारियां हमें जो फोर्सेस के आला अधिकारी है, सूत्र है, उनसे मिल रही है। और आप देख सकते हैं जो फोर्सेस के आला अधिकारी है, चाहे सीआरपीएफ, सेना और पुलिस, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार ग्राउंड को क्लियर किया जा रहा है। सबसे पहले कोशिश की गई जो घायल थे उनको इवैक्यूएट किया जाए। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के आईजी यहां पर है। सर, ये क्या कार बम था, क्या आईडी था, कुछ बताइए सर।
ये आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन है वो फिलहाल चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ के आईजी से हमने बात की लेकिन अभी कुछ भी औपचारिक रूप से बताने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा हमला ये यहाँ पर हुआ है। नेशनल हाईवे पे इस समय ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और लगातार अभी भी जो यहाँ पर फोर्सेज है वो सारे इलाके को घेरे हुए हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अवंतीपुरा लेतपुरा, News 24। तो देखा आपने, हालांकि रेस्क्यू का काम खत्म हो गया है लेकिन जांच अभी भी चल रही है। जहां हमला किया गया वहां पर हमारे जवान ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का एक्सप्लोसिव था, किस तरह का विस्फोटक था, इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया और इतने बड़े हमले को अंजाम देकर क्या हमारे सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े किए हैं आतंकियों ने, क्या हमारी तरफ से भी कोताही बरती गई, कोई लापरवाही हो गई जिसकी वजह से यह हमला हो गया, यह भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल 18 जवान शहीद हैं, 20 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं और जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। अब यह भी पता लग गया है कि सीआरपीएफ के काफिले में 70 गाड़ियां थी, इतना बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, 70 गाड़ियों का काफिला, 2500 जवान इस काफिले में शामिल थे और ऐसे में यह आत्मघाती हमला। अमित कुमार और बता रहे हैं कुछ, अमित क्या खबर है आपके पास? मारिक देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी भी जम्मू कश्मीर हो या फिर नक्सल इलाके हो, इस तरह से जो डिस्टर्ब इलाका होता है वहाँ पर पहले आरोपी रोड ओपनिंग पार्टियाँ जाती है और डिस्टेंस करके गाड़ियाँ चलती है और बाकायदा आरोपी का काम ये होता है कि वो रोड को क्लियरेंस कर ले कि आसपास अगर कोई आईडीज हो या कोई ऐसे चीज़ें छुपी हो तो उसको उसका पता कराए, उसको डिटेक्ट कराए और इसके बाद फिर क्योंकि काफिला बड़ा है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 70 गाड़ियों की बात, जैसे कि कहा जा रहा है कि 70 गाड़ियाँ 2500 जवान मूव कर रहे थे, इतने बड़े मूवमेंट के दौरान अगर सड़क के ऊपर अगर कार रखी हो, कार के भीतर आईडी रखा गया हो तो इसका मतलब साफ है कि कहीं मेजर गलती हुई है, बड़ी चूक हुई है सुरक्षा बलों से कि कहीं ना कहीं ताकि उस चीज़ को लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप रोड ओपनिंग पार्टी अगर सही प्रॉपर तरीके से जाती तो इतना बड़ा बड़ी जो चीज़ें सामने वो भी सड़क के किनारे रखी कार में बम रखा गया हो ये डिटेक्ट करना उनके लिए बहुत ही आसान था। लेकिन ये सवाल तो होगा ही, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती है, क्यों इतनी बड़ी चूक हुई, कि अगर इतना बड़ा मूवमेंट था तो क्या पहले से इसकी जानकारी लोगों को थी कि तभी इसके मतलब प्लेस किया गया है आईडी प्लेस करने का मतलब, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट के दौरान इसका मतलब है कि आतंकियों के पास इस बात की पूरी जानकारी थी कि वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, आर्म फोर्सेज का सीआरपीएफ का एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है और इसके बाद इसको तैयारी की गई थी और इस साफ है कि ये जानकारी पहले से थी, कोई एक दिन की बात तैयारी नहीं हो सकती है कि आप गाड़ी लगा लो आईडी लगा दो, इसका मतलब है कि ये जानकारी पहले से उनके पास थी कि इतना बड़ा मूवमेंट 70 गाड़ियों का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है और इसके बाद उन्होंने ब्लास्ट किया गया है। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इसको लेकर पूरी जांच भी होनी चाहिए और जांच होगी भी, क्योंकि सीआरपीएफ लेवल में या फिर इस सुरक्षा बलों में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो इसके बाद पूरी जाँच होती है। लेकिन एक सवाल यही होता है कि रोड ओपनिंग पार्टी होती है, तमाम आपके पास व्यवस्था होती है कि जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं तो उसमें उसके आगे गाड़ियां चलती है जो क्योंकि इस तरह के इलाके चाहे नक्सल इलाके हों या फिर जो आतंकी ग्रसित इलाके जो होते हैं वहाँ पर आईडी ब्लास्ट का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो इसीलिए रोड ओपनिंग पार्टी को रखी जाती है। इसके बावजूद इस तरह के अंजाम देना, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन में 5 से 6 लोग थे, हालांकि जैश ने एक आतंकी का नाम, डार का नाम सामने किया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इसमें और भी लोग हो सकते हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया है, इसमें कुछ और लोग होंगे और हो सकता है कि कुछ उसमें स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो, जिसकी जांच खुफिया एजेंसी कर रही है, सर्च ऑपरेशन भी वहां पर चल रहा है।